आज एक ऐसा पराठा बनाएंगे जिसकी स्टफिंग टिक्की में पड़ती है, पीठी वाली टिक्की। अब उससे पीठी वाले पराठे भी बन सकते हैं, तो चलिए बताते हैं कैसे। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले हम पीठी यानी दाल, मैंने मूंग दाल को 2 घंटे के लिए सोक कर लिया था। मैंने इसके तड़के के लिए लहसुन, हरी मिर्च, अदरक को बारीक बारीक काट लिया और एक प्याज को भी बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इस दाल में तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए एक कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पे हम उसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा चटकने लगेगा तो उसमें हम हींग डालेंगे। हींग डाल दिया मैंने। अब इसमें हम हरी मिर्च, लहसुन और अदरक जो बारीक बारीक काट कर रखा था उसे डालकर भून लेंगे। सभी चीजों को हम डाल देंगे। लहसुन डाला अभी मैंने, अदरक डाला, इन सभी चीजों को भून लेंगे। अब इसमें हमने जो प्याज बारीक काट के रखा था उसे भी डाल लेंगे और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हम भून लेंगे। प्याज जब हल्का सा भून जाएगा तो इसमें हम मूंग दाल को डालकर अच्छे से उसे भी पका लेंगे। ये देखिए मूंग दाल मैंने डाल दिया जिसे मैंने सोक करके रखा था 2 घंटे के लिए। इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे और ढक कर इसे थोड़ी देर तक पका लेंगे। कि हल्दी नमक डाल दिया मैंने, इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। इसे अब हम ढक कर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, 2 मिनट के लिए पकाएंगे। धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे इसे हम। 2 मिनट बाद हम इसमें 1 छोटे कप से पानी डालेंगे। 1 छोटे कप से पानी हम डालेंगे इसे 5 और इसे फिर से हम 5 मिनट के लिए ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला मैंने इसे, इससे दाल हमारा अच्छे से पक जाएगा। 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे। ये देखिए 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि दाल अच्छे से पक गया है। अब इस दाल को हम मैशर से थोड़ा मैश कर लेंगे। ये देखिए दाल हमारा अच्छे से पक गया है। अब एक हम मैशर लेंगे, इससे हम अच्छे से इसे मैश कर देंगे दाल को। ज़्यादा मैश नहीं करना है, थोड़ा खड़े भी रखने हैं और थोड़े मैश करने हैं, तो सारे मैश ना कीजिएगा दोस्तों। तो ये देखिए मैं इसे अच्छे से मैश कर रही हूँ। ये देखिए दाल अच्छे से मैश हो गया है। अब इसमें हम थोड़े मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर डाला मैंने इसमें, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें। ये देखिए लाल मिर्च पाउडर डाला मैंने। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है। आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। तो अब इसे हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे और इसे ठंडा होने देंगे।
अब मैंने स्टफिंग को साइड में रख दिया है और आटा मैंने पहले ही गूंथ लिया था। आटे को न ज़्यादा सॉफ्ट गूंथना है और न ज़्यादा टाइट गूंथना है, मीडियम गूंथना है। अब हम एक आटे का पेड़ा लेंगे और इसे हम परथन लगाकर उंगलियों से अच्छे से घुमाएंगे। अब इसमें हम स्टफिंग को भरेंगे। ये देखिए, और स्टफिंग को अंदर से दबाते हुए अच्छे से ऐसे घुमा घुमा कर हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए, अब ये जो इसके ऊपर का भाग है इसे हम ऐसे नीचे की तरफ दबाते हुए टैप कर देंगे। अब इसे हम बेल लेंगे। ये देखिए, इसमें हम थोड़ा सा परथन लगाएंगे और इसे अब हम बेलेंगे। तो ध्यान रखिए कि इसमें दाल थोड़ी खड़ी है और थोड़ी मैश हुई है, तो इसे हम हल्के हाथों से ही बेलेंगे दाल, जिससे कि दाल फटकर बाहर ना निकले। तो ये देखिए, अब इसे हम अच्छे से सेकेंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है इसे हम नीचे की तरफ तवे पे डालेंगे। ये देखिए, अब इसे हम अच्छे से सेक लेंगे। देखिए, इस तरफ से लाल हो गया है, पलट देंगे। ये देखिए, अच्छा लग रहा है। इसे हम देसी घी में ही सेकेंगे और इसे हम क्रिस्पी क्रिस्पी सेक लेंगे। इस तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल क्रिस्पी सेकेंगे इसे हम घी में सेकेंगे, क्योंकि सरसों के तेल में इसका पराठा अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, बिल्कुल क्रिस्पी करारे में सेक रही हूँ पराठे को। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एक पराठा हमारा सिक गया। इसी तरह हम सारे पराठे को सेक लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल खस्ता करारे पराठे हमारे बनकर तैयार हैं। चलिए, अब इसे हम सर्व करेंगे। इसी तरह हम सारे पराठे बना लेंगे। चलिए, सारे पराठे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता। एक पराठा मैं आप लोग को तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर स्टफिंग हमारी कैसी है। ये देखिए, बिल्कुल अंदर तक अच्छे से स्टफिंग हमारी लगी हुई है। तो इसी तरह से आप पराठे बनाइए और सबको खिलाइए और कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देखिए, चलिए अब इसे हम सर्व करेंगे। तो इसे हम दही के साथ सर्व करेंगे।
दही और हरी मिर्च, चटपटे हरी मिर्च के अचार के साथ इसे हम सर्व कर रहे हैं। इस हरी मिर्च और दही के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा ये पराठा, तो आप भी अपने घर पे बनाइए। और सभी तो ये देखिए बिल्कुल यूपी पीठी स्टाइल में आप इस पराठे को जब बनाएंगे तो पड़ोसी भी दौड़े चले आएंगे, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पूछेंगे कि क्या बन रहा है बहना, तो दाल के पराठे बन रहे हैं बिल्कुल अलग स्टाइल में, तानसी किचन के स्टाइल में। तो कैसे देखेंगे आप ये रेसिपी, तो रेसिपी तो बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, तो YouTube पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी रेसिपी आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। तो तानसी किचन चैनल पे जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी रेसिपी देखने के लिए, वहाँ पे ऐसी रेसिपी आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।